चुके हैं आपके क्लास टेंथ के सेकंड लेक्चर ऑफ फिजिक्स और सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव नेत्र ह्यूमन आई। तो मानव नेत्र ह्यूमन आई में आज पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मानव नेत्र का बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल पार्ट है आई। बिना आई के हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये दुनिया कैसी है और इसको हम फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। और इस पूरी खूबसूरत संसार को देखने के लिए हमारी आंखों का ये जो रोल है, इस रोल को हमने अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व दिया हुआ है। आज हम लोग यही करने वाले हैं, यही जानने वाले हैं कि एक्चुअली ये ह्यूमन आई के पीछे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और ये आंख जो हमें इतनी सुंदर दिखाई देती है एक्चुअली ये ह्यूमन आई क्या ऐसे ही शेप की होती है। तो ये सारे बातों का जवाब आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो मैं बता दूं कि आंख जो है, जो आपको देखने में इतना प्यारा सा लगता है, वो एक्चुअली एक तरीके से कैमरा है। तो हमारे आंखों को ही ध्यान में रखते हुए कैमरे का जो कॉन्सेप्ट है वो रखा गया था। हमारी आंखें जो कि देखने में आपको बहुत डिजाइनर दिखाई देती है, एक्चुअली वो गोल होती है। तो मानव नेत्र एक गोलाकार संरचना होती है। इस गोले का संरचना में लेंस और कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसके आधार पर हम सामने से आने वाली लाइट को अपनी आंखों के द्वारा अपने रेटिना पर इमेज बनाते हैं और वो फाइनली हमको इमेज देखने के लिए जरूरत होती है, वही फाइनली हमें दिखाई भी देती है। तो आज ये देखा जाए कि एक्चुअली ह्यूमन आई का कॉन्सेप्ट क्या है। ह्यूमन आई ये हमारे मानव नेत्र जो है वो मांसपेशियों का बना होता है और ये मांसपेशियां बनी होती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन के पदार्थों के द्वारा निर्मित मांसपेशियों का एक गोलाकार संरचना होता है जिसे हम ह्यूमन आई कहते हैं। ह्यूमन आई में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं और वही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हमारे रेटिना पर बनने वाले इमेज के इंपॉर्टेंट कारक होते हैं। तो आइए सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में जान लें। ह्यूमन आई क्या है? मानव नेत्र यह प्रोटीन के पदार्थ का बना या प्रोटीन के द्वारा बना एक गोलाकार संरचना होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो सामान्य रूप से मैं अगर बात करूं तो ये एक तरीके से हमारी आंखें कैमरे हैं जो कि सामने वाली वस्तुओं का पिक्चर कलेक्ट करती है और हमारे माइंड को भेजती है और हमारा माइंड इस चीजों को ऑब्जर्व करता है, समझने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि अगर ह्यूमन आई जो है वो गोलाकार संरचना है तो इसे कौन कौन से कॉम्पोनेंट इस संरचना में मौजूद है जो कि हमें वस्तुओं को देखने के लिए जरूरी है। तो ये आपके सामने मैंने संरचना बना रखी हुई है। आइए इस कॉम्पोनेंट में सारे डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और जो हमें हेल्प करेगी। देखिए ये हमारा ह्यूमन आई का एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मांसपेशियां देख पा रहे हैं, जलीय द्रव यहाँ पर, पुतली इसे कहते हैं, कॉर्निया ये वाला पोर्शन, आयरिस जिस बाहर वाले भाग को कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉर्निया एग्जैक्टली जो बाहर दिखाई दे रहा है, आयरिस ठीक इधर है, लेंस ये देख पा रहे हैं आप, विट्रस ह्यूमर मतलब इसको हम एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं कचाप द्रव, और फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो आप ब्लैक वाला सेक्शन देख रहे हैं रक्तक पटल, बाहर वाला जो देख पा रहे हैं वो दृढ़ पटल, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं पीत बिंदु, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंत बिंदु, और ये है ऑप्टिकल नर्व्स, ये जाके आगे हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर साफ सुथरा होना चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप इसको बना पाएंगे। तो आइए एक एक करके इस सारे कंपोनेंट्स पर बात करते हैं डिटेल में। तो नेत्र के कुछ अवयव है और नेत्र के अवयव में सबसे पहला जो अवयव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है? तो दृढ़ पटल एक्चुअली ये बाहर वाला रीजन है, ये रीजन हमें बाहर से प्रोटेक्ट करता है, बाहर से जो झटके लगते हैं, बाहर से किसी भी तरीके का अगर हम
चोट पहुंचाते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी आंखों को ना हो, इसलिए उनके कंपोनेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए ये जरूरी है। केवल इतना ही नहीं है, प्रकाश के अपवर्तन में भी सहायता करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि दृढ़पटल ये बाहर का भाग को कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है यह नेत्र बाहर का भाग होता है जो नेत्र के आघात सुरक्षा करता तथा अपवर्तन में भी सहायता करेगा। अब बात करेंगे रक्तक पटल की। तो मैंने यहाँ पे देखिए बच्चों दिखा रखा है रक्तक पटल की, ब्लैक कलर की एक स्ट्रिप होती है जो कि दृढ़पटल से जस्ट पहले वाली मतलब इसके अंदर वाली कह सकते हैं। तो इधर रक्तक पटल क्या करता है, ये ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है, ऑफकोर्स मांसपेशियों की ही होंगी, ये सारे लाइट्स को अवशोषित कर देता है ताकि ये जो लाइट्स है वो हर जगह ना पहुंच सके, मतलब एक्स जो भी लाइट अंदर आती है नेत्र में उसको अवशोषित करने का काम करेगा। यह दृढ़पटल के भीतरी भाग को कहते हैं, ऑफकोर्स अंदर वाले भाग को कहते हैं, जो आंख पर आपतित प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट है बच्चों कॉर्निया। कॉर्निया क्या है जरा ध्यान से देखें। कॉर्निया ये हमारी आंखों का जो उभरा हुआ भाग होता है, जो हमारी आंखों का उभरा भाग जो आपको बाहर से दिखाई देता है वही कॉर्निया है। ठीक, तो कॉर्निया हमारी उभरे हुए भाग को कहते हैं। तो नेत्र का उभरा भाग जो बाहर से दिखाई देता है उसे हम कॉर्निया कहेंगे, और लाइट भी इसी से होकर के अंदर आएगी, ध्यान दीजिएगा। तो इससे होकर प्रकाश अंदर प्रवेश करती है, किस पर प्रवेश करेगी, वो हमारी पुतली और लेंस पर आएगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो आयरिस है। आयरिस क्या है, आयरिस हमारा कॉर्निया के पीछे वाला पारदर्शी झिल्ली होता है, ध्यान दीजिएगा पारदर्शी झिल्ली होगा किसके पीछे वाला, कॉर्निया के जस्ट पीछे वाला, ठीक है, आयरिस देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुतली। पुतली क्या है, तो पुतली आप देख पा रहे हैं ये, तो ब्लैक कलर की पुतली हमारी आंखों में जो होती है ये वो पॉइंट है जिससे लाइट जो है आगे लेंस पर गिरेगी, और ये पुतली ही अपनी आंखों को अपना एडजस्ट कर सकते हैं। हम अधिक लाइट में ये अपने आप को एडजस्ट करेगी, कम लाइट में अपने आप को एडजस्ट करती है, मतलब बेसिकली ये एक तरीके का गार्ड है जो ये डिसाइड करेगा कि कितने लाइट को हम अंदर जाने देंगे ताकि लेंस पर गिरे। ज्यादा लाइट होती है तो अपने आप पुतली इसको संकेत करते हैं, हमारी आंखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। लो लाइट में हमारी पुतलियां थोड़ी चौड़ी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी ताकि अधिक से अधिक लाइट को अंदर आने दे। यही सेम चीजें आपने कैमरे में भी देखा होगा, उसमें वहां पर हम लोग शटर कहते हैं, वो शटर जितनी देर तक खुला रहेगा अधिक से अधिक लाइट आएगी, जितने कम टाइम तक खुला रहेगा कम लाइट आएगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अब बात होगी पुतली के बाद नेत्र लेंस। पुतली के जस्ट बाद वाला जो सेक्शन है उसे हम नेत्र लेंस कहते हैं, ये है वो सेक्शन नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या है, यही वो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लाइट को अब बेसिकली अपवर्तित करने का काम शुरू कर देती है। तो यहाँ पर नेत्र लेंस आयरिस के ठीक पीछे द्विउत्तल लेंस होता है, ठीक है, मांसपेशियों का बना द्विउत्तल लेंस होगा, इसे नेत्र लेंस कहेंगे। और मैं बता दूं कि यह नेत्र लेंस इसके पिछले भाग का जो वक्रता त्रिज्या है वो छोटी होगी, पिछला मतलब ये वाला पिछला उसकी छोटी होती है, और अगले वाले हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा कर होता है, ज्यादा कर होगा क्योंकि ये पारदर्शी होता है, तो इसलिए इसका अपवर्तनांक जो है वो लगभग 1.44 तक होता है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद, तो इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फैक्टर कचाव द्रव। तो कचाव द्रव देखिए इसके और लेंस के ठीक बीच वाला जो सेक्शन आप देख पा रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये लेंस और रेटिना के बीच का जो पूरा सेक्शन होता है एक पारदर्शी द्रव से घिरा रहता है, भरा रहता है, इसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और इसका भी अपना जो है पर्टिकुलर अपवर्तनांक होता है लगभग 1.334 तक, और इससे लाइट कंटिन्यूअसली अपवर्तित होकर के रेटिना पे पहुंच पाती है। अब बात करते हैं एक और सेक्शन की, ये तो कचाव द्रव की परिभाषा मैंने लिख रखी है कि लेंस और रेटिना के बीच वाला जो पारदर्शी द्रव है उसे हम कचाव द्रव कहेंगे। फिर इसके बाद बात आता है जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या है, कॉर्निया और लेंस के बीच में देख पा रहे हैं आप, कॉर्निया उभरा हुआ भाग और लेंस के बीच में यहाँ पे एक लिक्विड, यहाँ पर एक लिक्विड होती है, और ये जो लिक्विड होती है आगे वाले सेक्शन पे उसे हम लोग कहते हैं जलीय द्रव। इससे भी लाइट होकर के जब अंदर पहुंचते तो उसका भी अपवर्तन होता है, उसका अपवर्तन लगभग 1.336 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया, और जैसे कुछ कंपोनेंट्स है जैसे कि पीत बिंदु, रेटिना और अंध बिंदु, वो भी देख लेते हैं फटाफट चाहिए। तो नेत्र लेंसों में सबसे इंपॉर्टेंट वो पीछे के जो
पार्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यही हमें देखने के लिए हेल्प करने वाले हैं कौन कौन से वो पॉइंट हैं। तो पहला जो पॉइंट होने वाला है, तो मतलब पीछे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रेटिना। देखिए बच्चों, रेटिना क्या है? ये आपके रक्तक पटल का अंदर का जो पारदर्शी झिल्ली होता है उसे हम लोग कहते हैं रेटिना। पारदर्शी होता है इसलिए ये लाइट के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव है, लाइट के लिए सेंसिटिव रीजन, जिस पर जब प्रकाश इधर से होकर के रेटिना पर गिरेगी तो ये लाइट को सेंस करती है कि कैसी लाइट आई है, लाइट को सेंस करती है, ये इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजेगी, हमारे ऑप्टिकल नर्व की ओर। ये जो इमेज बनने वाला है ये इसी ऑप्टिकल हमारे झिल्ली पर, मतलब ये झिल्ली पर बनेगी, और यही झिल्ली पर बनने वाला जो इमेज होगा यही हमारे नर्वस सिस्टम को भेजा जाता है। तो रेटिना हमारा वो होगा सिस्टम जहां पर एक्चुअली लाइट आकर के मिलेगी, मतलब ये लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, सुग्राही होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रेटिना रक्तक पटल के अंदर का भाग एक पारदर्शी झिल्ली होती है जो प्रकाश के लिए सुग्राही होगी, यह दृष्टि पटल भी कहलाएगा क्योंकि इसी पे इमेज मिलना है, इसी पे लाइट मिलनी है। ठीक, इस पर दो सेल पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, इस पर दो सेल, मतलब ये जो आपकी जो सिस्टम है इस पर दो तरीके के सेल भी पाए जाएंगे, और यही निर्धारित करते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो किस तरीके का दिखेगा। मानव नेत्र में ये दोनों सेलें पाई जाती है, ऑलमोस्ट सारे जानवरों में भी जो आंखें होती है उसमें भी दोनों सेलें ऑलमोस्ट पाई जाती हैं, लेकिन अलग अलग जंतुओं में ये कहीं कम ज्यादा होता है। देखिए, ये जो दोनों सेलें होते हैं इनमें एक का नाम है सिलेंड्रिकल सेल और वही दूसरे का नाम होता है कोनिकल सेल। पर अब बात करें अगर हम सिलेंड्रिकल सेल की, मतलब दंडाकार सेल, तो दंडाकार सेलों के द्वारा जो लाइट की इंटेंसिटी है उसकी सुग्राहिता का बोध होता है, मतलब कि लाइट सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा सिलेंड्रिकल। ये हमारे लाइट की इंटेंसिटी को जज करता है, मतलब प्रकाश की तीव्रता को निर्धारित करता है दंडाकार सेल। ओके, और वही हम बात करें कोनिकल सेल जो कि इसी आपके रेटिना वाले मतलब झिल्ली पर होगा, वो क्या करता है, कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो हमारी आंखें कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी उतनी ही एलिजिबल, उतनी ही योग्य है, इसलिए हमारी आंखों में कॉनिकल सेल्स भी मौजूद है। बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनमें कॉनिकल सेल्स जो है वो कम पाई जाती है। ये है आपका होमवर्क जिसमें आप पता करेंगे कि कौन से ऐसे जानवर है जिनमें कॉनिकल सेल्स लगभग नहीं पाई जाती, ये बताना है आपको, और ये भी बताना है कि कौन से ऐसे जानवर जिनकी आंखों में आपको सिलेंड्रिकल सेल्स जो है वो काफी कम पाई जाती है, ये भी आपका होमवर्क है। तो जरा खोजिएगा, ह्यूमंस में ये दोनों ऑलमोस्ट होते हैं, इसीलिए हम लाइट की इंटेंसिटी को भी जज कर सकते हैं, उसके कलर्स को भी। ठीक, अब बात करते हैं अंधबिंदु। अंधबिंदु क्या है? अंधबिंदु तो हम लोग बात करेंगे, अंधबिंदु ये देख पा रहे हैं आप, अंधबिंदु आपके ऑप्टिकल नर्व्स के पास पाया जाता है, ये नर्व जो मस्तिष्क की ओर जाती है। अंधबिंदु प्रकाश के लिए बहुत ही कम सुग्राही होती है, मतलब यहाँ पर लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ पर आने वाली लाइट जो है वो वैसे भी डिसमिस हो जाती है, अब्सॉर्ब कर ली जाती है, आगे की ओर नहीं बढ़ पाती। एक पॉइंट और हम लोग को डिस्कस करना था, वो है आपका पीत बिंदु। पीत बिंदु को हम लोग कहते हैं येलो स्पॉट। देखिए बच्चों, ये येलो स्पॉट हमें लिख रखा हुआ है। येलो स्पॉट क्या है? येलो स्पॉट देखिए हमारे रेटिना वाले के ठीक बीच में पाया जाता है पीत बिंदु। रेटिना के ठीक बीच में आता है पीत बिंदु, और पीत बिंदु मतलब वो बिंदु जहां पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे ज्यादा होती है, मतलब यहाँ पे अगर प्रकाश की किरणें मिलती है तो आपको जो इमेज होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक सबसे अच्छी होगी, उसकी इंटेंसिटी सबसे अच्छी होगी, और इमेज बहुत ही शार्प देखने को मिलेगा। तो रेटिना के मध्य वाला भाग ही आपका क्या है? पीत बिंदु है। तो रेटिना के बीचों बीच का भाग होता है जहां पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा, यह प्रकाश के लिए अधिक सुग्राही होता है। तो इस तरीके से हमने ह्यूमन आई के सारे कैरेक्टरिस्टिक को देख लिया है। तो बच्चों, अब हम आशा करते हैं कि इतनी चीजें आप अच्छे से समझ पाए, इसका कंप्लीट नोट्स बनाएंगे, सेंड करेंगे, और इसका इंफॉर्मेशन मुझे जरूर देंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एकोमोडेशन पावर ऑफ लाइट, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि नेत्र कार्य कैसे करता, तो नेत्र का कार्य और प्रकाश की समझन क्षमता, इस सब के बारे में बात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।